क्या कुछ है, पुण्यतिथि में कितना याद कर रहे हैं पिता को? शब्दों में कैसे बताऊं, आज 2 साल हो गए हैं। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ हर जख्म या हर दर्द भरने लगता है, और मुझे लगता है कि कुछ दर्द ऐसे होते हैं समय भी उनको शायद नहीं भर पाता। पापा के जाने का दर्द उन्हीं में से एक है। कल की बात लगती है, मैं बल्कि कल ही उनके कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था, जहाँ पे यहीं पे वो खड़े हुए थे, मैं उनके साथ खड़ा हुआ था, आप लोग ऐसे ही बाइट ले रहे थे। आज भी कई बार अपने आप को इस बात को याद दिलाना कि वो नहीं है मुश्किल होता है, और यकीनन उनके जाने के बाद के 2 साल मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी पार्टी के लिए बहुत कठिन रहे हैं। पहली बात तो ये कि उनके बिना कभी ज़िंदगी सोची नहीं थी, और जब उनके बिना जीना पड़ा तो इतनी कठिनाइयों के साथ। बट ऐसे में फिर वही है, ताकत भी वही देते हैं, जहाँ कहीं भी हैं एक अदृश्य शक्ति हमेशा मेरे साथ चलती है, जो मुझे ना से मेरी हिम्मत बांधती है, हर परिस्थितियों से लड़ने का साहस देती है, और जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित हो गया, मुझे लगता है जो शायद उनके रहते हुए भी नहीं था। अब उनके जाने के बाद शायद वो लक्ष्य और ज़्यादा स्पष्ट हो गया, उनके सपनों को पूरा करना, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके अधूरे सपनों को, उसको पूरा करना मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मेरी माँ, उनका आशीर्वाद, उनका साथ चट्टान की तरह हर ऐसी कठिन परिस्थितियों में मेरे साथ है, मेरे परिवार का, मेरी बहनों का, मेरे बहनोइयों का, मेरे भांजे भांजियों का, और मेरी पार्टी। जिस तरीके से पार्टी ने पापा के जाने के बाद मजबूती से हर कठिन परिस्थितियों में मुझे और इस पार्टी को संभाला है, ये हिम्मत मेरी और बढ़ाते हैं कि आने वाले, भले पिछले 2 साल ज़रूर कठिन रहे, पर आने वाला समय ज़रूर बेहतर होगा। भाई मैंने कल ही मैंने इस बात को मैंने स्पष्ट किया था। संसदीय बोर्ड की बैठक परसों हुई है, बोर्ड में कई बातों पर चर्चा हुई है, कई फैसले लिए गए हैं जिससे विधिवत तरीके से अभी तक मुझे अवगत नहीं कराया गया है। कल संभवतः सुबह 11 बजे के आसपास हम लोगों की बैठक है, जिसमें संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू हुलास पांडे जी और हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष राजू तिवारी जी और बाकी पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय पदाधिकारी और प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक है, जिसमें औपचारिक तौर पर संसदीय बोर्ड में क्या निर्णय लिए गए इस फैसले से भी अवगत कराया जाएगा, और पार्टी की इन उपचुनावों को लेकर क्या रणनीति होगी उस पर अंतिम मोहर संभवतः कल लगा दी जाए। तस्वीरें मोकामा से निकल कर आ रही है, वहाँ के जेडीयू के युवा जिलाध्यक्ष संगठन प्रभारी हैं राहुल रंजन, वो कह रहे हैं कि किसी भी स्थिति परिस्थिति में जेडीयू अपराधी किस्म के कैंडिडेट को यानी अनंत सिंह को समर्थन नहीं करेगी। नीरज सिंह के सिपाही खुद को बता रहे हैं और एक दायित्व में भी है, तो क्या लगता है जेडीयू और राजद में महागठबंधन के अंदर अच्छा नहीं चल रहा है? भाई मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि कहीं आप लोग लिख के रख लीजिए, पिछली बार भी मैंने कहा था कि एनडीए में बहुत समय तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे और बहुत जल्द महागठबंधन की ओर वो जाएंगे। मैं पुनः इस बात को कहता हूं कि बहुत जल्द जदयू और राजद में भी बिखराव देखने को मिलेगा। संभव नहीं है जब बहुत महत्वाकांक्षी दल या नेता एक साथ हों, उनकी महत्वाकांक्षाएँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं कि एक साथ लंबे समय तक चलना उनके लिए संभव नहीं होता। और यहाँ पे तो भाई परिस्थितियाँ ही बहुत अलग है ना, आप देखिए 2019 का चुनाव या 2020 का चुनाव, इन दोनों दलों ने एक दूसरे के सामने ही लड़ा था ना, जो एक तरफ जीता उसने दूसरे दल के नेता को ही हराया है, भले वो लोकसभा की बात हो या वो विधानसभा की बात हो। तो ऐसे में जब एक सीट पे दो दो नेता हों, दो दो दावेदार हों, ऐसे में चुनाव आते आते तक, लोकसभा के हों या मध्यवर्ती चुनाव आते आते तक, वो दरारें स्पष्ट दिखने लग जाएंगी। से संजोग नहीं हो सकता ना भैया कि आपका कृषि मंत्री आपके इस्तीफा दे दें, भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए ही उन्होंने, और किसी बात पे इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप
जो जीरो टॉलरेंस की बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार को इतना ज़्यादा टॉलरेट किया कि उनके मंत्री ही उसको टॉलरेट नहीं कर पाए और उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये तमाम घटनाचक्र एक के बाद एक जो घट रहे हैं, ये इसी दिशा की ओर संकेत करते हैं कि बहुत जल्द राजद और जनता दल यूनाइटेड में टकराव होगा। एक अंतिम सवाल, तीनों जगहों पे पब्लिक ओपिनियन हमने किया है, आपके कार्यकर्ता कंफ्यूज हैं, कह रहे हैं कहाँ जाएं, चिराग पासवान का स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। भाई अभी तो नामांकन शुरू ही हुआ है, किसको वोट दें वही सोच रहे हैं। भाई किसको वोट देना है, किसके साथ जाना है, किसका समर्थन करना है, जैसा मैंने कहा इन तमाम बातों पर कल निर्णय मुझे लगता है संभवतः हो जाएगा। भाई हो तो खैर आज ही जाना चाहिए था, पर आप जानते हैं कि मेरे लिए प्राथमिकताएं समय के आधार पर होती हैं और आज मेरे पिता की दूसरी पुण्यतिथि है, इससे बढ़कर मेरे लिए अभी कोई चुनाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो जब तक उनकी पुण्यतिथि पर जो वादा मैंने उनसे, अपने पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से और बिहार की जनता से किया था उनकी प्रतिमा लगाने का, क्योंकि कहीं ना कहीं उम्मीद हम लोगों को थी, बहरहाल ये गलत उम्मीद थी, मेरी ही गलती है कि मैंने कोई ऐसी उम्मीद पाली भी थी कभी। मुझे था कि भाई राज्य सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मेरे नेता के जीते जी नहीं तो कम से कम उनके जाने के बाद उनके सम्मान में कुछ तो करेंगे। साल डेढ़ साल बीतने के बाद कोई स्मारक या उनके नाम पर कोई योजना करना तो बहुत दूर की बात है, जब उन्होंने उनकी एक प्रतिमा तक नहीं लगाई। जिस व्यक्ति ने 50 साल से ज़्यादा सक्रिय राजनीति में दिए हों, बिहार बिहारियों के लिए दिए हों, जो छात्र राजनीति में जेपी के साथ जिन्होंने छात्र राजनीति की अपनी शुरुआत की हो, समाजवाद का मजबूत सशक्त चेहरा रहे हों, सामाजिक न्याय की लड़ाई जिन्होंने निरंतरता में लड़ने का काम किया, और कोई ऐसा विभाग नहीं है जहाँ पर मेरे नेता मेरे पिता ने देश के समाज के गरीब वंचित शोषित लोगों के लिए उन्होंने कार्य करने का प्रयास ना किया हो। ऐसे में उनके जाने के बाद राज्य सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उदासीनता उनके प्रति स्पष्ट दर्शाती है कि भाई उनके जाने के बाद भी मुख्यमंत्री जी उनका अपमान करना नहीं भूले। ऐसे में ये वादा मैंने खुद से, मेरे नेता से और हमारे समर्थकों से किया था कि बिहार के हर एक ज़िले में उनकी प्रतिमा लगाऊंगा। शुरुआत हम लोगों ने उनकी कर्मभूमि हाजीपुर से की थी और ये वादा किया था मैंने कि उनकी उनके पैतृक गांव, हमारे पैतृक गांव शहर बन्नी में उनकी पुण्यतिथि के दिन उनकी आदमकद प्रतिमा वहां पर भी लगाई जाएगी। तो मेरे लिए प्राथमिकता आज की तारीख में चुनाव नहीं वो थे, आज एक बार शाम तक उनकी प्रतिमा वहाँ पर लग जाए, उसका अनावरण हम लोग कर लें। अभी जाते वक्त हाजीपुर भी हम लोग होते हुए जाएंगे, जो प्रतिमा लगाई थी वहाँ पर भी हम लोग पुष्पांजलि अर्पित करते हुए जाएंगे। इसके बाद कल से पूरी तरीके से चिराग पासवान आपको चुनावी मोड में दिखेंगे और चुनावी हर रणनीति का खुलासा कल से किया जाएगा। बहुत धन्यवाद।